गुड आफ्टरनून, अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। हम फिर से चले आए हैं आपके पास एक नए टॉपिक को लेकर, एक नए वीडियो के साथ। सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है और जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी आज पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप सबका बहुत 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 शुक्रिया। लेकिन एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज़ पहले से एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो आज दोस्तों हम जिस पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, तो वो टॉपिक एक पर्टिकुलर ड्रिंक को लेकर है। आई मीन ड्रिंक पर्टिकुलर बेवरेज को लेकर हम आज बात करने वाले हैं। एंड दैट बेवरेज इज वेरी कॉमन एट एवरी हाउस होल्ड। हर घर में ये बेवरेज ज़रूर इस्तेमाल होता है और सबको आदत है सुबह उठ के चाय पीने की। जी हाँ, आज हम बात करने वाले चाय के बारे में। यूँ तो जैसा कि हम सबको पता ही है कि चाय, स्पेशली जो लोग लीकर लेते हो, जो लोग दूध चाय नहीं पीते, तो चाय के अपने बहुत सारे गुड फंक्शंस हैं, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे शरीर को कई तरीके से हम शरीर की देखभाल करते हैं, हमारे सेहत पे भी अच्छा असर डालते हैं। बेसिकली आजकल एक पर्टिकुलर चाय के ऊपर मैक्सिमम लोगों का टेंशन और ज़्यादा है, एंड दैट इज आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रीन टी। यूँ तो आप सबको पता ही है कि ग्रीन टी व्हिच इज फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स एंड फुल ऑफ मेनी अदर विटामिन्स एंड न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। सुबह उठ के अगर आप एक कप ग्रीन टी, शाम को एक कप ग्रीन टी पीने, मतलब जबकि जो लोग एक्सरसाइजेस करते हो, योगा करते हैं या हैवी वॉक के बाद अगर आप लोग ग्रीन टी पीते हो, पीने की आदत डाल लेते हो, सो वो बहुत ही इफेक्ट करता है आपकी फैट रिड्यूस करने में। स्पेशली जिनका बेली फैट या थाई फैट जिनका ज़्यादा है, वो बहुत हेल्प करता है। लेकिन ग्रीन टी के जैसे कुछ गुड इफेक्ट्स भी हैं, उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हैं। एक रिसेंटली सर्वे में, एक रिसर्च में ये पता लगा है कि जो लोग मेजरमेंट से ज़्यादा, मतलब हद से ज़्यादा अमाउंट में जो लोग ग्रीन टी पी रहे हैं या पीते हैं, उनकी आदत है देखिए, चाय पीने की आदत तो बारी बारी में कई लोगों को है, स्पेशली जो लोग घंटों पे घंटों जो लोग कंप्यूटर में काम करते हो, या जो लोग आपके लिखने का काम करते हो, रात जग के जो लोग पढ़ाई करते हो, उनको चाय या कॉफ़ी चाहिए ही चाहिए खुद को जगे रहने के लिए और माइंड को फ्रेश रखने के लिए। लेकिन क्या आपको ये पता है कि यही ग्रीन टी, यही चाय, जिसको आप शायद चाय के हिसाब से लेके एक तो हैबिट बना दिए हो ज़्यादा ज़्यादा पीने की, वो आपके लिए कितना नुकसानदायक हो सकता है? तो मैं उन लोगों के लिए ज़रूर बोलना चाहूँगी कि ग्रीन टी एक्चुअली इज नॉट लाइक कॉमन टी। नॉर्मल जैसा पत्ते वाला चाय हुआ या पाउडर चाय हुआ, दाने वाला चाय हुआ, उस चाय के साथ ग्रीन टी में कुछ फ़र्क है। ग्रीन टी एक स्पेशली चाय के पत्तों से जुड़ा हुआ एक तो ऐसा पर्टिकुलर चाय होता है जिसको चाइनीज में, क्योंकि चाइना से चाय का शुरू हुआ था, वो लोग दवाई के हिसाब से सेवन करते हैं। और जैसा कि हम सभी को पता है कि जो जितना ज़्यादा दवाई पिएगा, जो जितना ज़्यादा दवाई खाएगा, वही ज़्यादा बीमार पड़ जाएगा या उसके शरीर में दूसरे इफेक्ट्स आ जाएंगे। इसीलिए हम ये ज़रूर कहना चाहेंगे कि ग्रीन टी आप पियो, हम पीने मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक प्रॉपर टाइमिंग में प्रॉपर डोजेज में पियो। आप सुबह एक बार ग्रीन टी ले लिए, शाम को एक बार ले लिए, दैट्स एनफ। और अगर बहुत ज़रूरत है तो बीच में एक बार ले सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा ऐसा नहीं कि आप चार घंटा काम कर रहे कंप्यूटर पे तो आप चार घंटा ही, घंटे हर घंटे में आप एक कप करके ग्रीन टी ला के पी रहे हैं। सो इसको क्योंकि ग्रीन टी जो लोग ज़्यादा पीते हैं या जिनका मेजरमेंट ज़्यादा होता है, उनको सबसे पहला जो प्रॉब्लम होने के चांसेस रिसर्च के अनुसार मिला है, दैट इज लिवर कैंसर या कोलोन कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसीलिए ग्रीन टी पियो, पीना खराब बात नहीं है, लेकिन एक मेजरमेंट में पियो। एक्चुअली मुद्दा बात यही है कि कोई भी चीज़ को अपनी हैबिट या अपना एडिक्शन मत बनाओ।
चाहे वो चाय हो, चाहे वो कॉफी हो, चाहे वो चॉकलेट हो या कुछ भी हो, प्लीज किसी चीज के लिए, किसी चीज के प्रति एडिक्टेड मत बन जाओ। क्योंकि जब हम उन लोगों में एडिक्शन आ जाता है तो हम लोग हद से ज्यादा उसको लेने लगते हैं और तभी हमारे शरीर में कुछ ना कुछ नुकसान जरूर होता है। तो इसीलिए आप सबको ये बेटर मेरी सलाह रहेगी कि आप ग्रीन टी, जो लोग आप लोगों को जिन लोगों को आदत है ग्रीन टी पीने की, पियो, लेकिन संभल के पियो, समझ के पियो, हैबिट मत बनाओ, ऐसे पियो ताकि वो दवाई की तरह आपके शरीर को हेल्थ दे। ठीक है, उम्मीद है आप सबको ये वीडियोस अच्छे लगे होंगे और अगर आपको मेरे दिए गए टिप्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज मुझे नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना फीडबैक देना मत भूलना। और हाँ, और एक बात, दैट इज फीडबैक के साथ साथ ये भी बताना मत भूलो कि आप लोग और किस किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाह रहे हो, किस किस टॉपिक के ऊपर आप लोगों को और कुछ टिप्स उसके आप लोगों को चाहिए, तो वो भी प्लीज डू शेयर विथ मी। मुझे आपके कमेंट्स का हमेशा इंतजार रहेगा। एंड आप सब लोग जो लोग ऑलरेडी हमारे चैनल के सब्सक्राइबर्स हैं उन लोगों को बहुत बहुत थैंक यू, और जो लोग अभी तक नहीं हुए हो, आज पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो, सो प्लीज आप सबके लिए छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको वीडियो पहले से शुरू तक अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद पास में दिया बेल आइकन दबाना मत भूलना।